फेसबुक मोनेटाइजेशन पॉलिसी इशू कैसे चेक करें। बहुत सारे भाइयों के मुझे कमेंट आ रहे थे, काफ़ी दिन से कमेंट आ रहे थे कि भाई इस पर एक वीडियो बना दें, पॉलिसी इशू कैसे चेक करें, पॉलिसी इशू आता क्यों है और किस वजह से आता है और पॉलिसी इशू हम चेक कैसे करें और पॉलिसी इशू का ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करें। तो सारी चीज़ें इस वीडियो में बताऊंगा दोस्तों, कौन सी गलती हम करते हैं और हमें पता नहीं चलता है और आपको वो गलती कैसे सुधारनी है। अगर आपके भी पेज पे पॉलिसी इशू आ चुका है तो उसको आप सही करें कैसे करेंगे, चाहे आप अपनी ओरिजिनल कंटेंट डाल रहे हो या आप किसी और का कॉपी कंटेंट डाल रहे हो। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जमाल और स्वागत है आपका जमाल टेक सपोर्ट पे। तो कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, आप भी फेसबुक पे काम कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है फेसबुक का भी एक रूल रेगुलेशन है, उसका भी एक कम्युनिटी गाइडलाइंस है। अगर उसको हम लोग पार कर जाएंगे तो जाहिर सी बात है हमारे पेज पे पॉलिसी इशू तो आना ही आना है। पहले मैं आपको ये बताता चलूं कौन कौन सी हम लोग गलती करते हैं, उन गलतियों की वजह से ये प्रॉब्लम आती है। तो पहली जो हमारी गलती है, कॉपीराइट कंटेंट हम लोग अपलोड करते हैं, कहीं से डाउनलोड किया उसके बाद उठाया और अपलोड कर दिया। अपलोड करने के बाद क्या करते हैं, जिस प्रोफाइल पे आपका पेज बना हुआ है, बहुत ही गौर से वीडियो को देखना क्योंकि आपके बड़े काम की होने वाली है। जिस प्रोफाइल पे आपका पेज बना हुआ है, जिस पेज में आपने वो मूवी डाली है या कॉमेडी वीडियो थी, जो कॉपी आपने वीडियो डाली है, ठीक है, उसी पे प्रोफाइल पे उसी पे आपका पेज है, तो जिस प्रोफाइल पे आपका पेज था आपने क्या किया है, जैसी मूवी अपलोड किया आपने उसी प्रोफाइल से अपनी वीडियो को शेयर कर दिया। कहाँ शेयर कर दिया, तरह तरह के ग्रुप में, ठीक है, तरह तरह के ग्रुप में शेयर करने के बाद उसके बाद खुद आप लाइक करते हो, खुद शेयर करते हो, खुद कमेंट भी करते हो, वेरी नाइस भाई, ताकि उस पर रीच आए। तो सबसे बड़ी गलती भाई यही करते हैं हम लोग, जिस प्रोफाइल से आपका पेज बना हुआ है उस प्रोफाइल से आपको छेड़ना भी नहीं है, बस उससे आपको करना क्या है, सिर्फ वीडियो अपलोड करनी है। मैंने कई सारी वीडियो में ये चीज बताई है लेकिन फिर से बता रहा हूं, उस प्रोफाइल से सिर्फ और सिर्फ आपको सिर्फ उस पर अपलोड करना है, उसके बाद उस मोबाइल से आपको कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी उस वीडियो के साथ, उस पेज के साथ। अगर आपको शेयर करना है, कमेंट करना है, लाइक करना है तो किसी और मोबाइल से करेंगे, अपने खुद के मोबाइल से नहीं करेंगे। आप अपना खुद का नेट भी नहीं यूज करेंगे, किसी और को वाईफाई देके और दूसरे के मोबाइल में सोचो मैं करूं, नहीं, ये भी गलत है। और एक बता दूं एक बात और, कुछ लोग ऐसे भी सोचते हैं कि चलो ठीक है इस प्रोफाइल से हम नहीं करेंगे, दूसरा प्रोफाइल उसी मोबाइल में लॉग इन करके उससे कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि भैया फेसबुक पकड़ लेता है, ठीक है, आईपी एड्रेस तो एक ही होता है ना। तो इन बातों का ध्यान रखें, एक मोबाइल से ये सारे काम नहीं करने हैं जो आप पेज पे काम कर रहे हैं, सिर्फ उस पर आप वीडियो अपलोड करो, बाकी प्रोफाइल से कुछ नहीं करना है, आपके मोबाइल से बिल्कुल करना ही नहीं है। बहुत ही बारीकी चीज आपको बता रहा हूं मैं, जल्दी कोई बताएगा नहीं आपको। और तीसरी चीज, डिस्क्रिप्शन में हम लोग कुछ भी उल्टा सीधा भर देते हैं, हमें पता भी नहीं होता हम क्या लिख रहे हैं लेकिन लिखते जाते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उसके बाद टैग लगा देंगे, 15-15, 20-20, 30-30 टैग लगा देंगे। टैग वही लगाओ जो आपकी वीडियो के साथ मैच खाता हो, वो भी टैग ज्यादा नहीं लगाना, 7 टैग 5 टैग लगा दो आप काफी है। डिस्क्रिप्शन में अगर थोड़ा बहुत लिखना है तो लिख लो, ऐसा नहीं कि दुनिया भर का आप लिख रहे हो, तो ये भी गलत है। अब बात कर लेते हैं वायलेशन वाले कंटेंट। वायलेशन वाले कंटेंट क्या होते हैं, इन ये आपको मैं बता देता हूं। सबसे पहला जो है आग वाला, जैसे बहुत सी वीडियो कुछ हम लोग डाल देते, किसी के घर में आग लगी है वो वीडियो हमने बना के डाल दी, वो भी फेसबुक की नजर में वायलेशन है, समझ रहे। एक होता है खून वाला वीडियो, किसी बंदे को कोई मार रहा है, खंभे पे बांध के ऐसे ही पीट रहा है, उसके चेहरे से खून निकल रहा है, बॉडी से खून निकल रहा है, अगर वो वीडियो आपने डाल दी बगैर ब्लर किए तो भी एक वायलेशन है। अब छठवां वायलेशन क्या करते हैं हम लोग, छठवां वायलेशन ये है, नफरत फैलाने वाली भाषा, मतलब अभद्र भाषा जिसको कहते हैं, जिसको गाली गलौज कहते हैं, वीडियो में गाली देते हैं लोगों को, तो ये भी एक वायलेशन है, तो इसका भी प्रयोग आपको नहीं करना है। ये सारे के सारे फेसबुक की नजर में वायलेट है, मतलब वायलेशन आप करना है। तो कहते हैं ना, अरे भैया मेरे पेज पे वायलेशन आ गया, मेरे प्रोफाइल पे वायलेशन आ गया, तो यही सब होता है भैया, यही सब आप करते हो इसलिए प्रॉब्लम होती है। सातवां है दोस्तों, हिंसा को भड़काने वाला, समझ रहे हैं आप मेरी बात, कुछ वीडियो ऐसी होती है कि लोगों को भड़काते हैं, ये करो वो करो ऐसा वैसा, दुनिया भर का आजकल चलता है आपको ही पता है, तो इस तरीके का पोस्ट भी ना डालें, इससे भी बचें, ये भी एक वायलेशन है। अब जो आखिरी हमारी गलती है आठवीं, ठीक है, आठ नंबर वाली, अश्लील पोस्ट, अश्लील पोस्ट समझ रहे हैं ना, मतलब सेक्सुअल कंटेंट, ये भी आपको नहीं डालना है। फेसबुक की नजर में ये सारे वायलेट कंटेंट हैं, तो इन सबसे आपको बचना है, ठीक है, ये जो मैंने बताया इन सबसे आपको बचना है। तो अब बात आती है इस समस्या का समाधान क्या है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें, इसका सोल्यूशन क्या होगा।
तो अभी मैंने आपको 8 गलतियां बताई हैं जो आपको नहीं करनी है अपने पेज पे या प्रोफाइल पे। अगर इन गलतियों को आप पकड़ लेते हैं, आप दोबारा से जाएंगे अपने फेसबुक पेज पे या प्रोफाइल पे कर रहे हैं तो प्रोफाइल पे जाएंगे, सारी के सारी वीडियोस, सारे के सारे आपके पोस्ट चेक करेंगे, एक एक चेक करेंगे, बारीकी से चेक करेंगे बैठ के, चाहे आपको एक घंटा लग जाए या दो घंटा लग जाए, लेकिन सबसे पहले आपको पूरा चेक करना है, सर्च करना है कि कहां आपने गलती की है। जहां भी आपने गलती की है, चाहे वो वीडियोज हो चाहे वो पोस्ट हो, उनको डिलीट करना है सबसे पहले। जहां पे भी आपने ये गलती की 8 में से, वो सारी वीडियो डिलीट कर देनी है, वो सारे पोस्ट डिलीट कर देने हैं। अब कुछ लोगों के माइंड में ये चल रहा होगा, मेरा तो ओरिजिनल कंटेंट है, मेरे पे क्यों प्रॉब्लम आ रही है? तो भैया ये भी आपको बताऊंगा, बस वीडियो को ध्यान से देखें और सारी चीज वीडियो में बताऊंगा आपको। तो आपने प्रोफाइल और पेज अपना चेक कर लिया, अगर आपको गलती मिल रही है 8 में से तो आपने डिलीट कर दिया, ठीक है। अब डिलीट करने के बाद करना क्या आपको, आपको अगर कॉपी वीडियो आप डाल रहे हैं किसी की, तो कॉपी वीडियो नहीं डालेंगे, वहीं पे स्टॉप हो जाएंगे। आपको ओरिजिनल वीडियो डालनी है जो कि कॉपी ना हो, ठीक है, ओरिजिनल वीडियो डालनी है। अगर आप रेगुलर ओरिजिनल वीडियो ही डालते थे तब तो आप डेली के डेली जो है, जैसा आप काम कर रहे हो डेली के डेली रेगुलर आप ओरिजिनल वीडियो अपनी जो है कंटेंट आप अपलोड करें। उसके बाद आपको करना क्या है, आपको लाइव आना है। लाइव कैसे आना है, अगर जो आप ओरिजिनल वीडियो हमेशा डालते हैं तो भी आपको डालते रहना है, अपना कंटेंट अपलोड करते रहना है, लेकिन साथ ही साथ आपको लाइव आना है। डेली आना चाहे तो डेली आ सकते हैं, 10 मिनट 20 मिनट के लिए। अगर आपके पास डेली टाइम नहीं है तो एक दिन छोड़ के आओ, 10 मिनट 20 मिनट डेली आप आ जाया करो और सामने बैठ जाया करो, लोगों से बात कर लो, कोई आपको देख रहा है तो ठीक है, नहीं देख रहा है तो भी ठीक है, आप बोलते रहो, बस लाइव आपका चेहरा दिखना चाहिए, ये आपको करना जरूरी है। क्यों जरूरी है ये भी बताऊंगा, चले आगे मैं सब कुछ बताता हूं। तो अगर आपने ये सारे के सारे जो मैंने बताए हैं कंडीशन आप कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद आपको करना क्या है ये चीज मैं आप दिखाता हूं। तो हम लोग चलते हैं सीधा लैपटॉप की स्क्रीन पे और मैं वहां आपको लाइव समझाता हूं कि आपको करना क्या है और कैसे करेंगे। अब हम लोग आ चुके हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे और देख सकते हैं यहाँ पे मेरा जो फेसबुक का पेज है जमाल टेक सपोर्ट के नाम से है, जिस नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है उसी नाम से मेरा फेसबुक पेज भी है। अभी अपने पेज पे मैं आ चुका हूँ, अब यहाँ से मैं जाऊँगा अपने मोनेटाइजेशन सेक्शन में, यहाँ देख सकते हैं मोनेटाइजेशन लिखा हुआ था, इस पर मैंने क्लिक कर दिया। अब यहाँ देख सकते हैं वन पेज विद मोनेटाइजेशन इशू, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है। इस साइड में देख सकते हैं राइट साइड में एक्शन रिक्वायर्ड मोनेटाइजेशन इशू लिख के आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं सी डिटेल्स पे क्लिक करूंगा, सी डिटेल पे क्लिक करने के बाद देख ले मुझे यहां पे लिख के दे रहा है मोनेटाइजेशन इश्यूज, यहां पे दे रहा है रिक्वेस्ट अनदर रिव्यू, अनदर नहीं है पहला ही है, क्योंकि मैंने अभी तक कोई रिव्यू में नहीं भेजा, मैंने खुद नहीं देखा था कि मेरे पेज पे मोनेटाइजेशन का पॉलिसी इश्यू है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आपका तो ओरिजिनल कंटेंट है तो आपके पेज पे ये प्रॉब्लम क्यों आई है, ये भी जानना जरूरी है ना। तो प्रॉब्लम इसलिए आई है, देखो अभी मैंने ये नया पेज बनाया है, आपको ही पता है मेरा चैनल भी नया है तो ये भी नया है, ठीक है। अभी मेरे पेज पे दरअसल रीच ज्यादा नहीं आ रहा, कितने व्यूज आ रहे हैं 20 50 100 80 ऐसे व्यूज आ रहे हैं, तकरीबन 150 से या 200 फॉलोअर हैं। तो इस पे क्या अभी तक मेरे पेज पे रीच नहीं आई है, जैसे ही रीच आएगी फेसबुक को लगेगा कि हाँ बंदा ये रियल है, क्योंकि अभी फेसबुक को क्या लग रहा है, फेसबुक की नजर में ये है कि ये अभी नया पेज बना हुआ है और ये भाई साहब किसी और की वीडियो उठा उठा के डाल रहे हैं, ठीक है। तो उनको ये लग रहा है, क्योंकि मैं अभी तक इस पेज पे लाइव भी एक बार नहीं आया हूं, अगर मैं 2-4 बार लाइव आ जाता हूं तो भी ये मेरी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये मेरा पेज नया है, क्योंकि इस पे मैंने कोई गलती नहीं की है, इसलिए ये खुद ब खुद फेसबुक हटा देगा, क्योंकि ये मेरा नया पेज है। अब जितने पुराने पेज वाले होंगे ना तो उनको ये प्रॉब्लम नहीं हटने वाली, उनको जो मैंने बताया 8 गलतियां पहले वो चेक करनी है, वो चेक करने के बाद जो भी मैंने पीछे बताया सब कुछ वो कर लेना, उसके बाद यहां आना है, फिर आगे मैं बताता हूं क्या करना है। तो अगर आपका भी नया पेज है, आपने भी नया पेज बनाया, आप ओरिजिनल कंटेंट डाल रहे हैं, तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, आपका भी वो फेसबुक खुद ब खुद सही कर देगा जब वो वेरीफाई कर लेगा कि बंदा सही है, क्योंकि उसे क्या लग रहा है कि अभी ये फेक बंदा है, ठीक है, पेज पे अभी रीच नहीं आ रही ना उतनी, तो फेसबुक की नजर में ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप लाइव आते हो तो हो सकता है फिर आपका जल्दी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, खुद ब खुद खत्म हो जाए, लेकिन मुझे जरूरत भी क्या है, अभी मेरे 10,000 फॉलोअर भी कंप्लीट नहीं है, 6,00,000 मिनट भी कंप्लीट नहीं है, तो क्या ही करना है, पड़ा रहने दो, जब मुझे मोनेटाइज करना होगा तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर लूंगा, बस मुझे अपने कंटेंट पे फोकस रखना है, मैं अपना कंटेंट डाल रहा हूं और कंटेंट अपना डालते रहूंगा।
तो ये हो गया मेरी बात। अगर आपका भी नया है तो आप भी बिल्कुल टेंशन ना लें, आपका भी खुद ब खुद सही हो जाएगा। नहीं हो रहा तो आप भी लाइव आओ, ठीक है, लाइव आपको आना जरूरी है फेसबुक पे, चाहे 10 मिनट के लिए ही आओ लेकिन आना जरूरी है। अब बात कर लेते हैं आपका, अगर कॉपी कंटेंट आपके फेसबुक पेज पे ये प्रॉब्लम आ चुकी है पॉलिसी इशू की, ठीक है, कोई बात, जो मैंने पीछे 8 गलतियां बताई, अगर आपने सारे के सारे पेज पे चेक कर लिए, अपने प्रोफाइल पे चेक कर लिए और सारे के सारे डिलीट कर दिए, सब कुछ एकदम फ्रेश कर दिया, उसके बाद आप लाइव भी आ रहे हो एक हफ्ते 10 दिन के बाद, आप मतलब एक हफ्ते 10 दिन से आप लाइव भी आ रहे हो अपने पेज पे, और वो लाइव को आप सेव करके रखोगे, डिलीट आफ्टर 30 डेज सिलेक्ट नहीं करना आपको, ठीक है, आपको हमेशा के लिए उसमें सेव रहना है ताकि वो हमेशा उसमें दिखे। अब आपकी लाइव भी हो चुकी है, ठीक है, लाइव हो गई, उसके बाद आप इस पे आओगे, पहले नहीं आना है, इस पे आओगे, इस पे आने के बाद फिर यहाँ पे देख लें, यहाँ पे लिखा हुआ है रिक्वेस्ट अनदर रिव्यू, इस पे हम लोग क्लिक कर देंगे, उसके बाद यहाँ इस बॉक्स पे हम लोग ऐसे क्लिक कर देंगे, क्लिक करने के बाद रिक्वेस्ट रिव्यू पे क्लिक कर देंगे, मतलब इसके बाद जो है फेसबुक के पास हमारा पेज चला जाएगा रिव्यू के लिए, फेसबुक 2 से 3 दिन में हमारा पेज रिव्यू कर लेगा, रिव्यू करने का हमारे पेज को जैसा पहले था सीधा लिख के दे देगा नो मोनेटाइजेशन ब्रीचेस, क्योंकि सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन खत्म कैसे होगा, जैसा मैंने पिछले 8 गलतियां बताई हैं जो मैंने अभी पीछे, वो सारी की सारी चीजें पहले आपको चेक कर लेनी है, सुधार कर लेना है, आपके पेज को बिल्कुल फ्रेश कर लेना है, तब जाके आप रिव्यू में भेजें। बहुत से भाई मेरे गलती करते हैं, कुछ नहीं चेंज करते हैं, बस ऐसी डायरेक्ट उनके सामने आता है रिक्वेस्ट अनदर रिव्यू, उस पर क्लिक कर दिया, अरे ये फेसबुक तो मेरा प्रॉब्लम ही सॉल्व कर रहा है, तो कहां से सॉल्व होगा, जब तक आप अपने पेज को थोड़ा ध्यान से देखो, आपने गलती जो की है वो गलती तो सुधारो, उसके बाद तो सही करेगा वो। तो ये सारी गलतियां आपने नहीं करनी है, सारी चीजें इसमें मैंने बता दिया आपको, कैसे पॉलिसी इशू आती है, कैसे आप चेक करेंगे, कैसे इसको हटाएंगे, सारी के सारे जवाब मैंने आपको इस वीडियो में दे दिए। उम्मीद करता हूं आपकी समझ आ गई हो, अगर ना समझ आई तो भैया वीडियो फिर से देखो, एक बार ना समझ आए, दो बार ना समझ आए, 3 बार, जितनी बार ना समझ में आए वीडियो गौर से देखो, तभी सारी बात आप समझ पाओगे, और ये बहुत ही जरूरी बातें मैंने आपको आज बताई। तो यही था दोस्तों आज की वीडियो में, उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छी लगी हो, बस अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब, मिलता हूं जल्दी आपसे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।